हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चना जोर गरम चाट। सेम जैसी मार्केट में हम लोग खाते हैं ना, सेम वही चाट आज हम अपने घर पर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ब्लैक देसी चना लिया है, उसको मैंने भीगने रखा था सारी रात, उसके बाद सुबह उठकर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब हमें एक एक चना लेकर इस तरीके से प्रेस करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चने को प्रेस करने में, एक एक चना हमें प्रेस करना होता है। अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो उनसे बोल दीजिएगा, उनको तो बहुत मज़ा आएगा, उनके लिए तो एक तरीके का गेम हो जाएगा ये। एक एक चना लेकर हमें इस तरीके से प्रेस करना होगा। जब ये सारे चने प्रेस हो जाएंगे फिर इनको हमें ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए या तो आप उसको पंखे के नीचे रख सकते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर बाहर अगर धूप है तो धूप में आप रख दीजिएगा। बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं ये उस तरीके से। मैंने इनको धूप में रखा था 4 घंटे के लिए, बाहर तेज़ धूप थी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको स्लो फ्लेम पर अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक पेपर टावल पर निकाल लेंगे, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टावल पर निकल जाएगा। और ये देखिए, मैंने फ्राई कर लिए हैं चना और इसका जो ऑयल है ना वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमें जितनी चाट बनानी है उतना चना हम लेंगे एक बाउल में, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और चाट मसाला। इसके बाद हम इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बारीक कट किए हुए प्याज। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस ऊपर हम थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियां ऐड कर लेते हैं और इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रेडी है हमारी यमी एंड टेस्टी चना जोर गरम चाट। बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने रेसिपीज गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।